हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक सपोर्ट। आज मैं आपको जो है संबल कार्ड अगर आप मोबाइल से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो कैसे कर सकते हैं, हितग्राही डैशबोर्ड ओपन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप जो है संबल कार्ड का जो है हितग्राही डैशबोर्ड है वो ऑप्शन आप खोलना चाहते हैं और उससे अपना संबल कार्ड की स्थिति और डाउनलोड संबल कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाजू में आने वाली बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आप जो है अपना हितग्राही डैशबोर्ड कैसे ओपन कर सकते हैं और क्या क्या न्यू ट्रैक करनी है। तो चलिए मैं सिंपली पहले आपको नॉर्मल तरीके से दिखा देता हूँ। जैसे आप हितग्राही डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं, हितग्राही विवरण यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर समग्र आईडी डालने के लिए क्लिक करते हैं तो आपका जो कीबोर्ड ओपन नहीं होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल की प्ले स्टोर पर जाना है। मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर एक जी कीबोर्ड मिल जाएगा था गूगल कीबोर्ड, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर इंस्टॉल है तो अपडेट कर लेना है, न्यू वर्जन आपको इसका इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपको किसी भी आपके ब्राउज़र या किसी भी सर्च बॉक्स या कहीं पे भी जाके आपको अपना कीबोर्ड ओपन इस प्रकार कर लेना है। कीबोर्ड ओपन करने के बाद आपको इस पर सिंपली ये थ्री डॉट है यहाँ पे इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फ्लोटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आपको क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं आप, ये वाला ऑप्शन आपको इस पर ऐसा क्लिक कर देना तो आपका कीबोर्ड है जो कुछ इस प्रकार चौकोर में आने लगेगा, जो कि आप इस प्रकार यूज भी कर सकते हैं। इसे इसमें इमोजी भी हैं, सब कुछ ऐसे आप यूज भी आसान से तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब सिंपली आपको जो है फिर से अपनी संबल कार्ड की साइट पर पहुँच जाना है। सिंपली इस पर फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करना, जैसे आप थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं और कीबोर्ड पर देखेंगे देखा अपना खुल चुका है। तो यहाँ पे आप इसको अपनी सिंपली समग्र आईडी डाल लेनी है। चलिए दोस्तों यहाँ से मैंने अपनी समग्र आईडी डाल ली है और सिंपली आपको डैशबोर्ड विवरण पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों सिंपली यहाँ पर डैशबोर्ड विवरण पर क्लिक कर देते हैं और आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। चलिए दोस्तों तो यहाँ से मैंने डैशबोर्ड विवरण देखे पर क्लिक कर दिया, नहीं हुआ है तो आपको फिर से यहीं पर कर लें, आपकी समग्र आईडी रही रहेगी और डैशबोर्ड विवरण पर क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ से लेके सब कुछ आपकी डिटेल, आप किस योजना का लाभ ले रहे हैं, कितनी तारीख को रजिस्ट्रेशन किया था, कौन से ग्राम में है, कौन सा क्या पता, आपका एप्लीकेशन नंबर से लेके सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो वो सब आने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल रहा होगा संबल कार्ड प्रिंट, तो इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए आपका संबल आईडी, आपका जो है संबल आईडी आ जाएगा, घनश्याम का चिकी नाम से ये है, इनकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, कोई व्यवसाय आ गया, आपका मोबाइल नंबर, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप आसानी से जो है अपना संबल कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं बिना कोई कहीं भी जाए या कहीं भी कुछ किए, प्रिंट आसानी से भी इसे कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर नए हैं तो लाल बटन को दबा के हथौड़ा मार दें, कुछ भी कर दें लेकिन सब्सक्राइब कर दें और घंटे को बजाना मत भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।